बिग बॉस के घर में जो भी कोई कंटेस्टेंट बन के जाता है उनकी किस्मत चमक जाती है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो शो के विनर्स की, तो इतने सीजन हो चुके हैं, अब तक 13 सीजन हो चुके हैं। जितने भी सीजन के विनर बने हैं वो अब क्या कर रहे हैं अपने करियर में, वो किस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सीजन की। पहले सीजन की अगर मैं बात करूं, अरशद वारसी ने इस सीजन को होस्ट किया था। 2007 में ये पहला सीजन ऑन एयर हुआ था। तो पहले सीजन के जो विनर बने थे आशिकी एक्टर, जी हाँ, राहुल रॉय, जो कि बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे, और उनका जो करियर था वो खास तौर पे कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब वो बिग बॉस के घर में जाते हैं उसके बाद विनर बन के जब बाहर निकलते हैं तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिले। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो हमने उनको कपिल शर्मा के शो में भी देखा था लॉकडाउन के दौरान, और रिसेंटली अब वो एक फिल्म करने जा रहे हैं सयोनी करके, तो हम जल्द उन्हें इस फिल्म में देख सकते हैं। आगे बात करना चाहूंगी सीजन टू की, तो ये सीजन को होस्ट किया था शिल्पा शेट्टी ने, जी हाँ, और इस सीजन के विनर बने थे आशुतोष कौशिक। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने 2013 में जिला गाजियाबाद एक फिल्म की थी, फिर उसके बाद से इन्होंने संन्यास ले लिया फिल्मों से, और अब वो क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि उन्होंने कम्प्लीटली अपने आप को मीडिया से हर जगह से दूर कर दिया है। आगे बात करना चाहूंगी सीजन थ्री की, जी हाँ, सीजन थ्री को होस्ट किया था अमिताभ बच्चन जी ने, जी हाँ, और इस सीजन के जो विनर बने थे वो विंदु दारा सिंह बने थे। और इनकी अगर बात की जाए तो ये बिग बॉस 13 सीजन में भी एज अ गेस्ट आए थे और बिग बॉस 14 में भी एज अ गेस्ट आए थे, बट वर्चुअली। हमने देखा किस तरीके से वो कविता कौशिक के लिए बातें करते हुए नजर आए और उनसे सवाल पूछ रहे थे, और टाइम टू टाइम वो ट्वीट कर करके अपनी राय बिग बॉस के हर मुद्दे पे रखते रहते हैं, और उन्होंने मतलब अपने जो फैंस हैं उन्हें कंप्लीटली एंगेज रखा है ताकि उनके फैंस उन्हें मिस ना करें, लेकिन वो सोशल मीडिया के द्वारा हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगी सीजन फोर की, जी हाँ, सीजन फोर की अगर मैं बात करूं तो यहां से शुरुआत हुई थी सलमान खान की, जी हाँ, एंट्री हुई थी एज अ होस्ट, फिर उसके बाद से वो अब तक है। तो सीजन फोर की जो विनर बनी थी वो श्वेता तिवारी बनी थी। इनकी अगर मैं बात करूं तो करंटली ये एक शो कर रही हैं, मेरे डैड की दुल्हन, और ये शो काफी अच्छा जा रहा है, लोग बेहद पसंद कर रहे हैं उनके किरदार को और इस शो को। नेक्स्ट है फिफ्थ सीजन की विनर जूही परमार, जी हाँ, जूही परमार भी काफी लंबे समय से वो थोड़ी सी दूर थी टेलीविजन से, कैमरा से, लेकिन जी टीवी के नए शो से उन्होंने एंट्री मारी है, हमारी हमारी वाली गुड न्यूज, और काफी पसंद कर रहे हैं लोग उन्हें इस शो में। नेक्स्ट सीजन सिक्स की बात की जाए तो उर्वशी ढोलकिया, जी हाँ, उर्वशी ढोलकिया की मैं अगर बात करूं तो नच बलिए सीजन नाइन में वो नजर आई थी हमें, और फिर एज अ गेस्ट भी आई थी बिग बॉस सीजन 13 में। नेक्स्ट है गौहर खान, जी हाँ, गौहर खान की अगर मैं बात करूं सीजन सेवन की ये विनर बनी थी, दिल जीता था इन्होंने और ऑडियंस का प्यार भी जीता और ट्रॉफी भी जीती। रिसेंटली हमने बिग बॉस सीजन 14 के घर में उनको देखा, किस तरीके से वो सीनियर बन के आई थी और टू द पॉइंट बात कर रही थी, और हर मुद्दे पर बिना बायस्ड हुए वो अपनी बात रख रही थी और सपोर्ट कर रही थी जो भी उन्हें सही लग रहा था। और फिर अब वो जिस तरीके से सुर्खियां बटोर रही हैं जैद दरबार के साथ, उनके जो रिश्ते हैं और एंगेजमेंट के लेके जो बातें चल रही हैं वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं, तो जल्द वो शादी भी कर सकती हैं। अब देखते हैं क्या होता है उनका, क्या होता है, किस तरीके से वो उनकी शादी होती है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी प्यार नजर आ रहा है, दोनों काफी अच्छे भी लग रहे हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगी सीजन 8 के विनर, जी हाँ, गौतम गुलाटी। गौतम गुलाटी की अगर मैं बात करूं तो वो बार बार ट्वीट करके बता रहे थे, और इनफैक्ट न्यूज भी ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वो बिग बॉस सीजन 14 में सीनियर बन के आएंगे या फिर गेस्ट बन के आएंगे, हम कब से इंतजार कर रहे हैं भाई, कब आओगे कब आओगे, लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं, लेकिन देखते हैं आगे आते कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्जिन भानुप्रिया करके उन्होंने एक फिल्म की थी, और इस फिल्म में उर्वशी रौटेला उनके साथ थी, और ये फिल्म अच्छी खासी चली, लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आई। राधे फिल्म में भी हमें जल्द नजर आने वाले हैं सलमान खान के साथ। आगे मैं बात करना चाहूंगी सीजन 9 के विनर प्रिंस नरूला की। स्प्लिट्स विला और रोडीज के भी वो विनर रह चुके हैं, और एमटीवी रोडीज के वो जज रहते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी खिंचाई करना, उन्हें डांटना फटकारना, ये सारी चीजें वो करते रहते हैं, और म्यूजिक वीडियोज भी लगातार वो कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, टिकटॉक बनाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे कंप्लीट तरीके से एक्टिव है दोनों, ले लीजिए प्रिंस और नरूला की।
नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी मनवीर गुर्जर की। जी हाँ, ये 10th सीजन के विनर रह चुके हैं और खतरों के खिलाड़ी भी इन्होंने जीता था 2008 में। और मैं आपको बताना चाहूंगी, फिर उसके बाद से वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन रिसेंटली न्यूज आई कि वो किस तरीके से खेतों में काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों ने काफी तारीफ भी की है उनकी। होप कि वो कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ हमें जल्द नजर आए। आगे शिल्पा शिंदे की मैं बात करना चाहूंगी, 11th सीजन की विनर। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि शिल्पा शिंदे विनर बनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम मिला है, सबसे ज्यादा जो करियर की ऊंचाई पर पहुंची है, वो हिना खान है। जी हाँ, वो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, कभी टीवी, कभी वेब सीरीज, कभी मूवी, कभी म्यूजिक वीडियो, हर तरीके से। फिर शिल्पा शिंदे की बात करते हैं, वो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में हमें नजर आई थी कुछ समय के लिए सुनील ग्रोवर के साथ, लेकिन उनके साथ भी उनकी कुछ अनबन हो गई, जिसके वजह से वो शो उन्होंने छोड़ दिया। अब देखते हैं किस प्रोजेक्ट में वो हमें आगे नजर आती हैं। 12th सीजन की विनर, जी हाँ, दीपिका कक्कड़ की मैं बात करूँ तो वो कहाँ हम कहाँ तुम ये सीरियल कर रही थी और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये शो भी बंद हो गया। फिर उसके बाद ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस तरीके से वो दीपिका की दुनिया करके है, वहाँ पे वो अपने फैंस के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहती हैं, सोशल मीडिया पे तो है ही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी हाँ, बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात करूं तो ये जब से शो खत्म हुआ है, विनर बन के बाहर आए हैं, ट्विटर पे हमेशा ट्रेंड होते रहते हैं, ये तो है ही। फिर उसके बाद म्यूजिक वीडियोस इन्होंने काफी सारे किए। फिर बिग बॉस 14 में भी वो सीनियर बन के आए थे, और जो टीआरपी दी थी, भर भर के टीआरपी दी थी, ये आप सभी लोगों ने देखा, उन्हें टीआरपी किंग बना दिया गया। और सीनियर बन के जो धमाल मचाया था, वो अब तक नहीं भूले हैं। और अब रिसेंटली एक न्यूज आई है कि वो शहनाज गिल के साथ, जी हाँ, पंजाब गए हैं। पंजाब एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है, नए सॉन्ग की तैयारी हो रही है, जो टोनी कक्कर की आवाज होने वाली है। तो इस म्यूजिक वीडियो का फैंस, यानी सिडनास ले लीजिए, सिद्धार्थ ले लीजिए, या फिर शहनाजियंस, इन सभी को इंतजार है इनके सॉन्ग का। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए आप सबकी क्या राय है इन सारी बातों पर, और आपका फेवरेट विनर कौन है ये भी मुझे बताना ना भूलिए, और क्यों। देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।